तो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो रोहन, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो थैंक्स फॉर कमिंग इन माय यूट्यूब लाइव सेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेशन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज भावना का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इनका ऑफ कैंपस जॉब हुआ है एंड इनका जॉब एपेक्स फंड सर्विस में हुआ है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स थी, हम ऑफ कैंपस भी अच्छी कंपनी में जॉब बीइंग के प्रेशर ले सकते हैं। तो ये ऑल सी एम एस क्वालिफाइड स्टूडेंट जिन्होंने अभी सी एम ए क्वालिफाइड किया है एंड अपकमिंग सी एम एस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बिकॉज हम ऑलवेज टारगेट करते हैं कि हमें कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। सो ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऑफ कैंपस की वैकेंसीज को हैंडल करते हैं। सो भावना, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। एंड थैंक या मुझे लगता है कि ये सेशन यू। ऑल स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मैं इनवाइटिंग मी। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बेसिक क्वेश्चन है जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि हमने सीएमए जर्नी स्टार्ट की थी, तो जब से मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ नहीं पता था सीएमए के बारे में। सो आपकी सीएमए जर्नी जब आपने स्टार्ट की, तो आपको क्या सीएमए के बारे में कुछ किस टाइप से आपको नॉलेज थी सीएमए के बारे में, कि क्या सीएमए कोर्स एक बेटर आपको कैरियर दे सकता था? क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था इनिशियल स्टेज में? ऑफ कोर्स एक्चुअली द मोमेंट आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, तो आई स्टार्टेड टू डू रिसर्च ऑन द अवेलेबल कोर्सेज। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोफेशनल वन सीएसीएमए, एंड सम ऑफ माय कजन्स वर आल्सो डूइंग सीएसीएमए, सो दे आल्सो रेकमेंड मी टू डू सेम। बट आई नोटिस्ड वन थिंग दैट एवरीबडी वॉज डूइंग सीए, पीपल डू नॉट नो मच अबाउट सीएमए। So, but I got to know that from the job point of view, of course, obviously it having wider acceptance, and other countries maybe इसका validity है इस degree की। So that's how, and that's how I enrolled myself into CMA, and that's how it get started. तो आपने अपने सीएमए कंप्लीट, आपके सीएमए जर्नी दिल्ली से हुई थी या फिर कहीं और से आपने स्टार्ट किया था अपने सीएमए? नहीं, बेसिकली आई एम फ्रॉम सोहना, इट इज नियर अबाउट गुरुग्राम। सो मैंने फाउंडेशन का क्लासेस तो अपने लोकल से ही लिया था, एंड फॉर इंटर मैंने गुरुग्राम से ही कोचिंग्स लिए थे, एमिनिटी इंस्टीट्यूट से। एंड फॉर फाइनल मैंने कुछ मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट सेल्फ किए एंड पेन ड्राइव क्लासेस के लिए ऑप्ट किया। बट एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे कि हम सीएमए कर रहे होते हैं, तो सीएमएच के लिए बहुत कम मार्केट में कोचिंग क्लासेस है जो सेपरेट सीएमएच को क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो फिर अगर जैसे आप इंटर और फाइनल में अगर आप देखो, तो उस टाइम में आपको किस टाइप के सिचुएशंस को झेलना पड़ा था, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके साथ आई थी? ऑफ कोर्स एवरी सीनियर स्टूडेंट इस बात से रिलेट कर सकता है कि मैंने भी जब मेरा इंटर में एडमिशन लिया मतलब इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे मैं अकेली एक सीएमए स्टूडेंट थी, ऑल वर सीए सीएमए। सो एंड ये बोलना नहीं चाहिए, बट समटाइम्स टीचर्स भी डिमोटिवेट करते हैं, और उस टाइम सीएमए को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, तो वो डिमोटिवेट करते थे। बट वही है कि हमें लूज हो हमें लूज नहीं करने चाहिए। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, तो मैंने उस टाइम जब एग्जाम दिया, तो पूरे इंस्टीट्यूट में मैं अकेली लड़की थी जिसका एग्जाम क्रैक हुआ था, एंड उसके अलावा वहाँ किसी का नहीं हुआ था। तो या फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि फाइनल के लिए आप प्लीज आओ हमारे यहाँ, बट मैं आज तक मान नहीं गई, बिकॉज इम्पोर्टेंट एवरी प्रोफेशन, वेदर इट इज सी ए सी एस सी एम ए एम बी ए। बात तो हाँ, ये डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, पीपल रिस्पेक्ट नहीं करते एक बट दूसरे के कोर्सेज की। अब मुझे लगता है कि जब आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एंड शायद हो सकता अब है ज्यादा जो रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग मना कर रहे थे कि आप सीएमए मत करो, आज आज वो भी लोगों को सेशन देंगे सीएमए करने के लिए। ऑफ कोर्स सीएमए ने बहुत ग्रोथ किया है एंड डेवलप हुआ है, तो
अब तो ऑफ कोर्स मैं भी रिकमेंड करूंगी कि ऑफ कोर्स सबको इस कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए. या डेफिनेटली जस्ट वन सेकंड मैं डिस्चार्ज हो गया. सो एंड नेक्स्ट जैसे कि आपको ट्रेनिंग के बारे में आप कुछ अपना बताइए कि आपका ट्रेनिंग का एक्सपोजर कैसा रहा, कुछ यूनिक सी चीजें कि बच्चों को ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें. Importance of training in our life. If I talk about myself, then I have done my training from in costing from and but frankly speaking, तो मेरा mindset भी यही था कि मैं भी training नहीं करना चाहती थी उस वक्त. Because basically I belong to a remote area and I had to travel a lot. So मुझे travel issue बहुत ज़्यादा हो जाता था. But यही है कि मतलब जितना इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी रखा है उतना तो हमें ट्रेनिंग करना ही चाहिए, क्योंकि वंस वी गेट ट्रेन तो हमें आगे अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमें एक पता चलता है कि कंपनीज में वर्क करने का एक वे क्या होता है. सो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग जिस 6 मंथ का था अभी 15 का है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. So at the end point पे अगर हम बात करें आपसे तो most important things है off campus job लेना. तो because campus के ऊपर जो सब focus करते हैं and campus होने से पहले आपको placement मिल गई थी, तो आपने किस तरीके से job को आपने search किया था off campus, आपने resume कैसे drop किया, mails कैसे किए, so in short अगर आप कुछ बता सको तो ज़्यादा अच्छा होगा. Actually when I came to know about my results, so I started to searching about for some good profiles, and I was also approaching to some of my friends because I don't want to depend only upon the campus, because campus mein mujhe apna hope nahi tha, because mera sara first round mein nikla hai, but final third group mein mujhe 2 attempts lage hain. Due to taxation, क्योंकि मेरे लिए क्लासेस नहीं ली थी और जब ली तो वो ठीक टीचर से नहीं ली थी, so I made mistake for that and yeah for so one day got called some of my friend and he told me about the Apex HSA profile, so just randomly I applied for that by sending my resume and luckily next day I got call from there. So then at that time I was suffering from typhoid. So उन्होंने interview schedule के लिए बोला, but मैंने interview delay कराया था उस वक्त क्योंकि I was on bed rest. So but इतना ज़्यादा delay नहीं कर सकते थे. So interviews हुए and there were 2 technical rounds and 1 general HR round. So yeah, that's how. Interviews हुए and I got call from. So technical round में मतलब किस types के questions उन्होंने, because आपकी जो profile थी वो fund accounting से related थी, fund accounting. Hedge fund accounting. Yeah, hedge fund accounting. Interview में किस तरह के question होते हैं ये पूरी तरह से हमारा profile पे ही depend करता है. It depends on our profile for which we are going for. So मेरा related था hedge fund accounting. So मैंने प्रिपेयर किया था बेसिकली अबाउट ऑल बेसिक अकाउंटिंग एंड ऑल अबाउट SFM, वी रेड इन आवर फाइनल CMA फाइनल एंड सम कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कोर्स वी नीडेड. सो या इतना यही था कि बेसिक तो आपका होता ही है, बट अदर सब्जेक्ट जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो वो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. सो या मेरे लिए वो एक ह्यूज सब्जेक्ट और मेरे लिए SFM था वो. Strategic financial management. So आपको अच्छा आपने ये profile join किया है, अभी आप वहाँ पे अभी आपको ज़्यादा experience नहीं हुआ, but फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम ये बहुत new profile एक से लगता है, क्योंकि हमेशा CMA या तो costing में या तो taxation में focus करते हैं. So इस profile में long term अगर हम देखें तो CMA के लिए क्या scope आप? Of course, people
I've seen some people having their mindset that after doing CMA we can only go for some costing profile or in some manufacturing department, but ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रही थी तो आई वॉज ओपन फॉर ऑल दैट. मुझे एक्सप्लोर करना था वो जो भी मेरे हाथ में प्रोफाइल आता. अच्छा, so when I got to know about the profile, then I have done some research on it, so found it very demanding. India में ये अभी काफी demand हो रहा है इस चीज का, and जो Citco and Apex, these kind of company provide कर रही हैं some if these type of good profiles. So yeah, and if you get a chance to go for this kind of profile, then definitely give it a try. Cause by these you can get an exposure about different type of funds. Like if I give example, so open-ended fund, closed-ended fund, calculation of NAV, and transfer agency businesses, and private equity. And of course, security world is a beautiful world. So if you get a chance to do job there, so please give it a try. Hey, your voice is not coming. मुझे भी काफी interesting profile लगी. Actually, मेरा भी इस sector में बहुत interest था. But कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं समझ में आया अपने time में कि मैं starting कैसे करूँ. Because investment banking के side में जाने का एक objective था. बट मुझे कुछ स्टार्टिंग अच्छा नहीं मिल पाया, तो मुझे कॉस्टिंग ही लगा कि शायद कॉस्टिंग मेरे लिए बेस्ट है उस टाइम में. फिर मैंने कॉस्टिंग में अपना कुछ स्विच कर लिया था. बट या एसएफएम की कैंप भी बहुत अच्छी है. एक्चुअली जब मैंने एसएफएम की क्लासेस लेने स्टार्ट किए थे, तो वो मैंने आदित्य जैन सर से लिए थे, एंड उनका कंसेप्चुअल क्लियरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तभी से मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड जब मुझे प्रोफाइल का पता चला, तो मेरे लिए था ही नहीं कि मुझे पढ़ना है, मेरे लिए था कि बस फ्लो वाइज थी वो चीजें, क्योंकि मेरा हाथ था उसमें. तो हाँ, प्रोफाइल मस्त से बहुत ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ज्यादा अच्छा है फ्रॉम द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. जैसे कि आपने आदित्य जैन सर से भी अपने क्लासेस दी है, एंड यहां पे अगर आप फंड अकाउंटिंग में आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो जैसे बहुत सारे आदित्य जैन सर हमेशा एक सजेशन करते हैं कि आप NISM के सर्टिफिकेशन कोर्स को भी आप साथ में करो. अगर आप CACMA कर रहे हो, उसके साथ NISM के सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए वो सजेशंस देते हैं. तो क्या आपको लगता है कि मतलब वो जो सारे सर्टिफिकेशन कोर्स है हमें इस पार्टिकुलर प्रोफेशन में जाने में काफी हेल्प करेगा? See, that depends on profile. तो ऐसा नहीं है कि हमें इसमें जाने के लिए वो कोर्सेज चाहिए ही चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए. बट ऑफ कोर्स अगर आप कोई एडिशनल कोर्स करते हो, तो वो हमारे प्रोफाइल में डेफिनेटली और एड ऑन करता है, एंड जॉब के टाइम भी हमें वो चीज़ हेल्प करती है. सो लाइक इन फ्यूचर इफ यू वांट टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफाइल, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं. और जो उनके लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ कोर्सेज है, उनके लिए तो आपको जाना ही होगा. तो मैंने ऐसा कुछ एडिशनल नहीं किया. नहीं, एक्चुअली मैंने भी मेरे टाइम पे इसका यही था. मैंने भी सर से क्लास लिया था, तो सर हमेशा वीडियोस में जरूर बोलते थे कि आप ट्राई करो, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक-एक मॉड्यूल करके आप उसके पेपर्स दो, इट विल हेल्प यू मोर. सो सर, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा. नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं किया, बट हाँ, इन फ्यूचर आई कैन थिंक. या आप CFA भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आपको ऑलरेडी अगर फाइनेंस में जाना है तो CFA इज आल्सो बेटर ऑप्शन. यस यस. एंड नेक्स्ट लास्ट है कि आप स्टूडेंट्स को जो अपकमिंग CMA जाने वाले हैं, उनको आप क्या कुछ टिप्स, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो? प्रॉपर रिसर्च कीजिए उन पे, देन ओनली क्लास लीजिए. एंड सेकंड, ट्रेनिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग से बेनिफिट मिलता ही है. क्योंकि मैंने बहुत कम किया था अपने टाइम पे ड्यू टू ट्रैवल इशू, बट या वी शुड गो फॉर दैट. एंड थर्ड वन इज
स्टूडेंट्स कैंपस के भरोसे ही ज्यादा मैंने देखा है कि रहते हैं कि नहीं, या फिर ऐसा होता है उनके साथ कि आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम एंड रिजल्ट्स वो कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट हम पूरा कैंपस क्लियर पे होंगे, अगर हमें कोई चांस नहीं मिलता ओनली देन वी कैन गो फॉर वी कैन ट्राई इन ऑफ कैंपस, बट ऐसा नहीं होता. मैंने अपने रिजल्ट के बाद ही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था एंड लकीली सब कुछ ये मुझे प्रोफाइल के बारे में पता चला एंड मैंने अप्लाई किया फॉर कैंपस. तो एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्री कैंपस ट्रेनिंग आई गॉट माई ऑफर लेटर. सो एंड जब कैंपस हुआ तो कैंपस में भी एपेक्स आया था और सेम प्रोफाइल से आया था और सेम था. और कैंपस में जिन स्टूडेंट्स का नहीं होता, ऐसा नहीं है ना कि उनके पास जॉब नहीं होता, वो भी ट्राई करते हैं, उनके पास भी होता है. कैंपस के भरोसे ही बैठना जरूरी नहीं है. थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल टिप्स एंड हां बोलो बोलो. एंड मेरा फिर कैंपस में केपीटीएल में हुआ था बट वहां पैकेज मेरे पैकेज से भी कम था तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू भी नहीं दिया था क्योंकि मेरा ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुका था तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला. नहीं है, जब आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिल जाए तो फिर आपको उसमें फ्यूचर कैरियर जरूर देखना चाहिए. हाँ, मुझे मेजर यही था कि इसमें मुझे प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा लगा था एंड जो केपीटीएल का प्रोफाइल था उसमें हमें अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन साइड हमें रिलोकेट करना हो सकता था. सो मेरे लिए वो इतना पॉसिबल शायद नहीं था. सो आई डिड नॉट गो फॉर दैट. मुझे तो लगता है आपने बहुत एक अच्छे प्रोफाइल को ऑप्ट किया है, भले इन शॉर्ट रन अगर आप इसको देखो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा. सो इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग रन में बहुत ग्रोथ है. अगर किसी भी स्टूडेंट का कॉर्पोरेट एक्शन, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो इन सब में इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो बेस्ट प्रोफाइल है ये. और इनके पैकेजेस भी बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू अदर्स बहुत अच्छे. सो थैंक्स फॉर दिस सेशन. आई थिंक अब कुछ लेफ्ट बचता नहीं है हमारे बीच इस सेशन में. Thank you so much, Juan, for inviting me. I have not done such type of thing, so it feels great. काफी new था. Hope so कि आपको अच्छा लगा होगा. Social media पे. Yes, yes, sir. Yeah. Yes, of course. So bye. Take care. Wish you luck for your futures. Hope so कि आप बहुत सारे achievements लो and फिर से next live session में हमारे साथ join करो. Yes, thank you. Best of luck to you too. Bye bye. Take care. Bye.